नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर जेई के फॉर्म निकले हुए हैं। फॉर्म दो सॉरी ये 3 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 2 जुलाई तक जो फॉर्म है आपके भरे जाएंगे। फीस पेमेंट आपकी 4 जुलाई तक होगी। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी डिटेल आप वहां से चेक कर सकते हैं अच्छे से, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म है अपना अप्लाई करें। साथ ही फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन। आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन स्टेप बाई स्टेप आप पूरा फॉर्म को है वो कैसे फिल कर सकते हैं। फीस पेमेंट इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 700 है, दिव्यांग कैंडिडेट के 10 रुपये फीस है और ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी। एज लिमिट इसके अंदर 18 से 40 है। टोटल पोस्ट हैं वो 196 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की होगी, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जूनियर इंजीनियर इनके लिए इस प्रकार से। योग्यता की बात करें आपको इंजीनियरिंग और साथ में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसकी डिटेल यहाँ दी गई, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से पूरी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ें आप। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यह इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विभाग की जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन निगम की, ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करें और उसके बाद में यहाँ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज जो नया फॉर्म भरने के लिए आपको साथियों स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नया फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ नोट दिया गया साथियों जो ब्राउजर है उसके रिगार्डिंग यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे पोस्ट कौन सी हमें फॉर्म करना है इसके लिए अप्लाई, तो यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी पोस्ट है उसके अनुसार यहाँ पर कोड आ जाएगा, जैसे ये पोस्ट चेंज करते तो यहाँ कोड ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। साथियों यहाँ पर अपना नाम डालेंगे कैंडिडेट का और यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर को दोबारा से इंटर करेंगे, यहाँ ईमेल आईडी और दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे और दिया गया कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देंगे साथियों, ठीक है। तो हमारे सामने ये रजिस्टर एप्लीकेशन नंबर आ गया है और ईमेल के ऊपर भी भेज दिया गया है और SMS के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, ठीक है साथियों। हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और आप यहाँ क्लोज कर देंगे, ठीक है साथियों। और वैसे डिटेल्स यहाँ पर भी शो होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे स्टेप वाइज। साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन के ऊपर हम यहाँ क्लिक कर देंगे साथियों। तो हमारे सामने ये आ जाएगा फॉर्म, यहाँ से हम गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये नया पेज ओपन हो रहा है, यहाँ हम अपने डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, जैसे पोस्ट कोड वो आ गए। यहाँ से हम सेंटर को चूज करेंगे, 3 सेंटर हमें कोई भी चूज करने, जैसे अलीगढ़ कर लिया, झांसी कर लिया। ये झांसी तो दोबारा नहीं होगा, एक ही बार करना है, गलती से चूज हो गया, ठीक है साथियों। यहाँ पर हम कोई तीसरा लखनऊ कर लेते हैं और यहाँ अभी हमें के डोमिसाइल UP का या अदर स्टेट का वो यहाँ से फिल करेंगे, कैटेगरी कौन सी वो यहाँ से हम चूज करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें अपनी जो एड्रेस डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करनी है साथियों, सिटी होगी, पिन कोड हो गया, एड्रेस है, वो स्टेट के अनुसार यहाँ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश किया तो यहाँ पर सिटी आ गई है, यहाँ से मान लीजिए ये ओरिया चूज कर लिया है, ओरिया। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, परमानेंट एड्रेस अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर देंगे साथियों, ठीक है। हम यहाँ यस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ऊपर जो बेसिक डिटेल्स हैं इसमें, जैसे फादर नेम, मदर नेम,
मटेरियल स्टेटस है वो यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म है वो आपका सबमिट होगा साथी में सेवन नेक्स्ट पे। यहाँ उसके बाद में हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, सेवन नेक्स्ट पे। ये बता रहा है कि एड्रेस मिसिंग है थोड़ा, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में करने के बाद हमें एजुकेशन की डिटेल है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे, दसवीं की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ बारहवीं की डिटेल फिल करनी है, ठीक। हिंदी की नॉलेज है वो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ नो करेंगे, ठीक है, ये मैंडेटरी साथी। उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास, वो यहाँ से चूज करेंगे आपके अनुसार जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ डिप्लोमा की जानकारी है वो यहाँ पर फिल करेंगे, नेम कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी कब पास किया, इंस्टीट्यूट का नेम, मार्क्स परसेंटेज और अदर कोई क्वालिफिकेशन है वो यहाँ हम फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें बता रहा है कि पेमेंट है वो आपकी 1000 रुपये होगी, ठीक है साथियों, और पेमेंट है वो 24 आवर के बाद होगी, फॉर्म फिल करने के 24 घंटे के बाद पेमेंट आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो फ़ोटो वो करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर हो गए, उसके बाद 10वीं की डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, उसके बाद में डिप्लोमा, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमने डाली थी उसका, उसके बाद दिया गया कैप्चा उसे फिल करेंगे और आई एग्री के ऊपर यहाँ से क्लिक करने के बाद हम अपना फॉर्म है वो प्रीव्यू कर सकते हैं, हमने जो फॉर्म भरा है, और उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है साथियों। हम यहाँ प्रीव्यू करते हैं, हमने जो फॉर्म भरा है वो हमारे सामने खुल के आ गए, हम यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरा चेक कर लें अच्छे से कि सही भरा गया है या नहीं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ से इसे कट कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबमिट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देंगे। साथ ही अभी इसमें अपलोड नहीं हुआ एक डॉक्यूमेंट, तो हमें बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करो, इसके अंदर अपलोड नहीं किया है, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी एक डॉक्यूमेंट रह गया है, तो वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट होने के बाद में ही हम आप इसे सबमिट कर सकते हैं। हमारे सामने प्राइवेसी नोटिस आ गए, इसे हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और नीचे यहाँ से आई एग्री के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देंगे साथियों। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो ऑप्शन है वो पेमेंट का आ जाता है, हमें पेमेंट है पेंडिंग दिखा रहा है अभी यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से क्लोज करेंगे इसे, क्लोज करने के बाद हमें जो पेमेंट है वो 24 आवर के बाद ही होगी। जो डिटेल है हमने फिल की उसे डिटेल चेक कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद साथियों।